सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। चलिए ले चलते एक नए सफ़र में। चल रहे हैं अभी पहले तो हरिद्वार, हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ और जहाँ जहाँ दर्शन होंगे आपको दिखाते हैं। दरबार साहिब भी जाना है। चलिए लंबे टूर के लिए चल रहे हैं, आपको साथ में दिखाते जाते हैं। घनसोली स्टेशन से जा रहे हैं हम। चलिए मैं और मेरा बेटा हरजस, हरजस सिंह। चलिए आए हैं यहाँ पे, शूटिंग भी काफ़ी हुई है फिल्मों की। नगर स्टेशन बडाला से बैंड्रा जाएंगे, वहाँ से ट्रेन पकड़ेगी। चलिए हरजस सिंह बैठा उधर। नमस्कार दोस्तों, हम लोग बैंड्रा टर्मिनल में पहुँच गए हैं। बैंड्रा टर्मिनल में पहुँच के हम जा रहे हैं हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से गोविंद घाट, गोविंद घाट से पैदल यात्रा चालू होगी हेमकुंड साहिब की, वहाँ से बद्रीनाथ जाएंगे और वहाँ से रिटर्न आके हरिद्वार आके दरबार साहब जाएंगे, गोल्डन टेम्पल। देखिए हम अपने मन में सोचते क्या हैं कि हम गुरु के घर में जाएंगे। देखो गुरु ने हमें क्या वेलकम दिया है। हमने ट्रेन की टिकट बुक कराई थी, वो आरएसी में हुई थी, तो मतलब कोई बात नहीं, आरएसी तो आरएसी सही, हमने वो आरएसी में बुक कराई। जिस जत्थे के साथ में जा रहे थे वो जत्थे ने वो पूरी टिकटें कैंसिल कर दी। मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा कि नहीं गुरु के घर में जाना है, कैसे भी जाना है, चलिए एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा अकेले जाने का। गुरु ने पहले से ही गिफ्ट दे दिया हमें। हमारे स्लीपर क्लास आरएसी का मतलब बैठने की सीट होनी थी, वो आरएसी कंफर्म में हुई, कंफर्म हुई तो हुई, हमको एसी कोच में कंफर्मेशन मिल गई। ये गुरु का स्वागत है, हम स्लीपर क्लास की टिकट में एसी कोच में जाएंगे। ये देखिए ये स्वागत है हमारा गुरु का। चलिए 12:45 के हमने आपको हरिद्वार जाएंगे, कल हरिद्वार पहुँचेंगे। चलो चलते हैं, ये वेस्टर्न के रूट से ट्रेन जाएगी, जो स्टेशन आएगा आपको दिखाते हैं। चलिए बैंड्रा स्टेशन, बैंड्रा वेस्टर्न जोगेश्वरी स्टेशन। लोकल ट्रेन जा रही है, अभी थोड़े टाइम पहले लोकल एसी ट्रेन गई जोगेश्वरी से, आगे जा रहे हैं वेस्टर्न साइड। एक बज के 45 मिनट में बोरीवली स्टेशन पे गाड़ी उतरी है, बोरीवली स्टेशन। बोरीवली स्टेशन से गाड़ी निकली है, पीछे बोरीवली स्टेशन गया है, जा रहे हैं। और स्पेशल ट्रेन स्पेशल टाइम से आधा घंटा लेट हो चुकी है, तकरीबन 1:40 पे गाड़ी निकल रही है। 1:09 का टाइम था इसका, आधा घंटा लेट हो चुकी है। चलिए बोरीवली से आगे निकलते हैं वेस्टर्न। के बाद समुद्र पूरा काफी बड़ा है, मसई के आगे बढ़िया मिले वेस्टर्न में। स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, समय 1:59, तकरीबन 2 बजे हैं, बसी स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। सही विरार के बाद
बॉर्डर के करीब समुद्र के किनारे सामने पहाड़ियाँ हैं, ये इतनी प्यारी स्टेशन महाराष्ट्र क्रॉस करते हुए हम लोग खाना खा रहे हैं। आईटीसी का ये 70 रुपीज में 4 चपाती, चावल, एक 2 भाजी, 1 दाल। पालघर से गुजर रहे हैं, स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। ये भोईसर है, महाराष्ट्र के है, अभी तक गुजरात नहीं आया। 2:35 पे भोईसर स्टेशन, महाराष्ट्र, भोईसर से गाड़ी निकल रही है। भोईसर स्टेशन, भोईसर चालू हुआ है। गुजरात की गाँव
कर रहे हैं। रात का गाँव है यहाँ से झाड़ लगे हैं। वापी स्टेशन तकरीबन 3:20 पर पहुँची है। ट्रेन 28 देरी से चल रही है। हरिद्वार एक्सप्रेस वापी स्टेशन पे आया है। रात के पहला स्टेशन है वापी। उसके बाद हमने क्रॉस कर लिया था, महाराष्ट्र में क्रॉस करके अभी पहुँची। व्यूज आपको दिखा है पहाड़ी के, इसके वो सब महाराष्ट्र के व्यूज थे। उसके बाद के दो व्यूज थे दो गुजरात से दिखाई दे रहा है। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद वापी स्टेशन से 3:22 पे ट्रेन रवाना हो रही है। वापी स्टेशन गुजरात का पहला स्टेशन आया है वापी। वापी गुजरात से वापी के स्टेशन में 3:40 पे गाड़ी पहुंची है। यहाँ पर गाड़ी 23 मिनट्स लेट है। वलसाड स्टेशन गुजरात आ गए। गुजरात के वलसाड स्टेशन पे पहुंचे हैं। तो 23 मिनट्स गाड़ी लेट है। वलसाड मिनट के हॉल के बाद वलसाड स्टेशन से गाड़ी निकल रही है, जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ। नवदारी स्टेशन पे गाड़ी 4:05 पर पहुँची है। तो गाड़ी तकरीबन 16 मिनट देरी पे है, कवर कर दी है। आधा घंटे से 16 मिनट हो गए। 4:06 गाड़ी सारी सिटी को क्रॉस कर रहे हैं। अगला स्टेशन सूरत आएगा, ये आधे घंटे के अंदर ही आ जाएगा। हॉल्ट के बाद सूरत से गाड़ी तकरीबन 23 मिनट लेट से चल रही है। स्टेशन ठंडा का चुमरा हुआ है। व्यापार का टेंशन है सूरत, कपड़ों का व्यापार, डायमंड का व्यापार। स्टेशन पूरा भरा हुआ है।
टाइम पे चल रही है बड़ौदा से जी। बड़ौदा सिटी का पहले विश्वामित्र करके ये तो अभी गुजर रहा है। बड़ौदा स्टेशन में 5 मिनट बिफोर आई है ट्रेन, 6:33 का टाइमिंग है और ये 6:29 को आई है और 6:43 को जाएगी। अपने सही समय पे बड़ौदा स्टेशन पे गाड़ी 6:43 पे निकली है, 6:44 हो चुके हैं। बड़ौदा स्टेशन से जा रहे हैं हम, आगे चलते हैं, आगे 10:30 मेरठ स्टेशन आएगा बड़ौदा से आगे। अभी 6:45 हो चुके हैं, 10:30 सीधा मेरठ आएगा, चलते हैं देखते हैं बड़ौदा से निकलते हैं। रात को 10:20 पे 15 मिनट बिफोर गाड़ी आ गई है हरिद्वार, बांद्रा हरिद्वार एक्सप्रेस। रात के 10:20 के बीच में आपको ये पूरी सीरीज हमारी अच्छी तरह देखना, हम आपको ऋषिकेश, पहले हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से अगले दिन गोविंद घाट से फिर पैदल यात्रा शुरू होगी, सब आपको दिखाएंगे। वहाँ से फिर ऑफिस आके बद्रीनाथ जाएंगे,
बद्रीनाथ से आगे जैसे सर होता रहेगा, हरिद्वार दिखाएंगे, ऋषिकेश दिखाएंगे। हमारी इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जरूर, हम जितना हो सके आपको दिखाएंगे। चलिए रतलाम स्टेशन से अपने सही समय पर 10:45 पर गाड़ी पेंड्रा हरिद्वार एक्सप्रेस स्पेशल 22917 निकल रही है और हम इस वीडियो को इस यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो आपको नेक्स्ट डे की आ जाएगी। ये हमारी यात्रा की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों यारों को। चलिए स्टेशन के एंड तक आपको दिखाते हैं और इस वीडियो को याद करते हैं।